औली में 7 फरवरी से होंगे शीतकालीन खेल। प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 12 फरवरी तक उत्तराखंड में करेंगे वर्चुअल रैली। चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों के लिए जारी किया बड़ा आदेश। और रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस ने दिया भाजपा को जोर का झटका। नमस्कार, स्वागत है आपका जे जे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वेस। तो आइए सुनते हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरों को विस्तार के साथ। औली में 7 फरवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होंगे। इन खेलों में 16 टीमों के 200 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शीतकालीन खेल शुरू किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए इस बार फिर से शीतकालीन खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। इन खेलों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। प्रदेश में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, जिसमें भाजपा के निशाने पर हरीश रावत आ गए हैं। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि चार धाम चार काम का मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाना था। दरअसल कांग्रेस नेता अकील अहमद ने जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही है, तब से ही भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है। इस मुद्दे के बाद से ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वाद विवाद का खेल भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4, 6, 8, 10 और 12 फरवरी को उत्तराखंड के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों की सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के माध्यम से मतदाताओं को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली के लिए क्षेत्रीय जनता को एकत्रित करने का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश में जारी किया है, जिससे अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट सहित बड़ी जिम्मेदारी वाले अधिकारियों को फोन की लोकेशन 24 घंटे ऑन रखने के लिए कहा गया है। अब लगातार सभी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और अगर कुछ ही देर के लिए भी मोबाइल की लोकेशन या इंटरनेट बंद हुआ तो तुरंत फोन पर पूछा जा रहा है। अगर किसी अफसर की लोकेशन किसी पार्टी के दफ्तर, किसी नेता के घर, कार्यालय या फिर संवेदनशील जगह पर मिलेगी तो उन अफसरों को इसका स्पष्टीकरण और पूरा विवरण देना होगा। इसके लिए उनके मोबाइल पर आयोग का ऐप भी डाला गया है। रानीखेत विधानसभा में कांग्रेस ने भाजपा को आज जोर का झटका दिया है। आज भाजपा प्रत्याशी के क्षेत्र से ही भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रकाश जोशी अपने अनेक समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया में प्रकाश जोशी को भाजपा प्रत्याशी द्वारा कथित तौर पर धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद आज प्रकाश जोशी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस प्रत्याशी करण मेहरा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो उत्तराखंड की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्कार, मैं संध्या डालाकोटी 56 लालकुआ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस लालकुआ विधानसभा की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूं और नमन करती हूं। और 14 तारीख को 13वें नंबर पर गैस का चूल्हे पर माहौल लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं।